हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में जो फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है, उसे किस दिशा में रखना वास्तु के हिसाब से शुभ होता है। एक बार अगर उसकी जगह फिक्स कर दी जाती है तो फिर महीनों महीनों वो वहीं पर रहता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आपने जिस किसी भी दिशा में फ्रिज को रख दिया है, क्या वो दिशा फ्रिज रखने के लिए सही है या फिर इसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो बगैर समय गवाए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो वास्तु के लिहाज से सभी दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सभी दिशाओं का अलग अलग वर्णन किया गया है। इसके साथ ही वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व के बारे में भी यहाँ पे डेफिनेशंस बताए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझें कि आपको किन दिशाओं में फ्रिज को नहीं रखना है। तो जो ईशान्य दिशा है, यानी कि उत्तर और पूर्व का जहां मिलन हो रहा है, जहां जल तत्व लिखा है, वहां पर फ्रिज को भूल कर भी नहीं रखें। ये बहुत ज्यादा वास्तु दोष क्रिएट करता है, क्योंकि इस दिशा को हल्का रखना शुभ माना जाता है और फ्रिज एक भारी भरकम सामान है, इसलिए आप इस दिशा में फ्रिज को न रखें। ईशान्य के बाद अब बात होती है पूर्व दिशा की। तो पूर्व दिशा में भी भारी भरकम सामान रखने से मना किया जाता है, तो यहाँ पर भी आप फ्रिज को न रखें। तीसरा जो स्थान है दक्षिण और पूर्व का, आग्नेय का, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को रखने के लिए तो शुभ है, लेकिन फ्रिज के लिए ये शुभ दिशा नहीं है। जी हाँ, हो सकता है आपने कई सारे वास्तु वीडियोस देखे होंगे जिसमें फ्रिज को यहाँ अग्नि तत्व वाली दिशा में रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हैं कि अग्नि के स्थान में एक ऐसे इक्विपमेंट को क्यों रखना है जिसका काम ही ठंडक देना है। जी हाँ, फ्रिज के अंदर जो है वो वायु होता है, जो गैस होता है, जो कंप्रेसर होता है, उसकी वजह से यहाँ पे कूलिंग होता है। और ये जो दिशा है ये बहुत ही गर्म दिशा मानी जाती है, आग्नेय। यहाँ पे रसोई घर होता है, यहाँ पे गैस चूल्हा जलाया जाता है, तो इस दिशा में यहाँ पर रखना भी शुभ नहीं है। बात आती है दक्षिण दिशा की तरफ। अगर करें तो दक्षिण दिशा बहुत ही गर्म दिशा होती है और फ्रिज के अंदर आप ज़्यादातर पानी की बोतलें रखते हैं, मतलब यहाँ पर कूलिंग का काम होता है। और आप जानते हैं कि जो दक्षिण दिशा है वो बहुत ही गर्म दिशा मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर भी फ्रिज को रखना शुभ नहीं है। अब बात करें नैऋत्य की। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये दिशा पश्चिम और दक्षिण के मेल से बनती है और वास्तु की जो तमाम दिशाएं हैं उसमें सबसे जो खराब दिशा मानी जाती है वो नैऋत्य होती है। यहाँ पे भारी भरकम सामान रखना तो शुभ है, लेकिन इस दिशा की जो खासियत है वो ये है कि ये निगेटिव है। इस दिशा में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है, इसलिए यहाँ पे फ्रिज को रखना कहीं ना कहीं बीमारियों को दावत देने जैसा है, इसलिए आप यहाँ पर भी फ्रिज को ना रखें। इसके बाद बात आती है पश्चिम दिशा की। जी हाँ, पश्चिम दिशा में आप फ्रिज को आसानी से रख सकते हैं। जब आप फ्रिज को पश्चिम दिशा की तरफ रखते हैं तो इसका जो डोर है वो पूर्व दिशा की तरफ खुलता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं फ्रिज को आपके घर में रखने का सबसे शुभ स्थान कौन सा है। जी हाँ, फ्रिज को आपके घर में रखने का सबसे ज्यादा शुभ स्थान है वायव्य दिशा, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशाओं का जहां मेल होता है वहां पे आप पश्चिम दिशा वाली दीवार पर इसे आराम से रख सकते हैं। आप पूछेंगे कि यहां पे रखने की सलाह क्यों दी जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर और पश्चिम दिशा जो है वायव्य, वो एक वायु तत्व की दिशा है और फ्रिज के अंदर क्या होता है, फ्रिज के अंदर गैस प्रोड्यूस होता है, कंप्रेसर, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। तो एक ऐसे इक्विपमेंट को यहाँ रखना जहाँ की वायु का काम है, एयर का काम है, तो उसे एयर की दिशा में ही रखना शुभ है, क्योंकि यहाँ पे ठंडक होती है। इसके साथ ही जब आप फ्रिज का डोर खोलते हैं तो ये पूर्व दिशा की तरफ खुलता है, तो ये भी एक शुभता लाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि आप फ्रिज को कभी भी वायव्य कोण में उत्तर की दीवार पर लगाकर न रखें। अगर आप इसे उत्तर की दीवार पर लगाकर रखते हैं तो फिर इसका डोर जब खुलेगा तो वो दक्षिण दिशा की तरफ दिखेगा और दक्षिण दिशा की तरफ खुलने वाला डोर कतई शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप अपने फ्रिज को जब भी रखें तो नंबर वन प्लेस, नंबर वन जगह उसके लिए जो है वो है उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि वायव्य कोण,
और वायव्य कोण के पास भी पश्चिम वाली दीवार पर। इसके बाद बात आती है उत्तर दिशा की। तो दोस्तों, उत्तर दिशा को हल्का रखना शुभ माना जाता है, यहाँ पे भारी चीजें रखना आप अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके घर में फ्रिज रखने की सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे बेस्ट प्लेस है, और वो है वायव्य दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। आपने अगर किसी वीडियोस में इसे आग्नेय कोण में रखने की बात सुनी है तो प्लीज़ ऐसा न करें, क्योंकि ये गलत धारणा है कि फ्रिज को आग्नेय कोण में रखना चाहिए। फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मानता हूँ। फ्रिज जब कूलिंग करता है तो इसका जो आउटर एरिया होता है वो भी गर्म होता है, ये भी मानता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो आग्नेय दिशा है उसका काम है अग्नि को बैलेंस करना, उसका काम कतई कूलिंग करने का नहीं है। कूलिंग करने की दिशा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है वायव्य, क्योंकि ये वायु तत्व की दिशा है। इस दिशा के स्वामी खुद चंद्रदेव होते हैं, जिनका काम ही कूल करना है, शांत करना है, ठंडक लाना है। तो फिर फ्रिज को क्यों ना ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे ये अपना पर्पस पूरी तरह से अच्छे तरह से निभाए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखकर इस बात को समझ लिया होगा कि फ्रिज रखने की जो सही दिशा है वो है पश्चिम दिशा, नहीं तो उत्तर पश्चिम दिशा, जो कि सबसे शुभ दिशा है फ्रिज को रखने की। फ्रिज को जब भी खोलें तो उसका जो मेन डोर है वो हमेशा ही पूर्व की तरफ खोलें, इसका ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है कि फ्रिज किस रंग का लेना चाहिए। तो आपको फ्रिज लाल रंग का लेना अवॉइड करना चाहिए, आपको फ्रिज काला रंग का लेना अवॉइड करना चाहिए। इसके जगह पे आप हल्के नीले रंग का फ्रिज ज़रूर खरीद सकते हैं, सफ़ेद रंग का फ्रिज ज़रूर खरीद सकते हैं, और कुछ हल्के कलर्स, वाटर एलिमेंट्स और नेचर एलिमेंट्स से संबंधित जो कलर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जानने वालों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी सही तरह से अपने घरों में फ्रिज को रख सकें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाया करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।